हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों देखो, आज भाई हम लोगों ने इतना सारा व्लॉग शूट किया दिन भर कि आप शकल और बाल को देख के तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हम लोग कितना थक गए होंगे। बात ऐसा है ना कि पैर से लेकर सर तक खटा है। तो खैर, अब बात करते हैं आज के व्लॉग की। तो आज का व्लॉग जो है, आज आपका बिहारी बाबू पहुँचा है चाय पीने। वो भी ऐसी चाय नहीं, नॉर्मल चाय नहीं, वो एकदम कड़क चाय और इतनी अमेजिंग वेराइटीज़ में, वो भी हमारे दानापुर पेड़िया बाज़ार के पास अब वो अवेलेबल है। और उसका नाम भी पता है, गेस कर सकते हैं आप लोग क्या है? बिहारी चाय। बिहारी भाई, बिहारी बाबू पहुँचे हैं बिहारी चाय कैफे में और यहाँ पे आपको चाय, कॉफ़ी और उसके अलावा स्नैक्स भी आपको सब कुछ मिलेगा। और आज का व्लॉग भाई देखो, सब कुछ यहीं पे नहीं बताऊँगा। अब चलते हैं अंदर बिहारी कैफे के और आज आपको बताते हैं कि क्या है खास। तो जानने के लिए जितनी भी चीज़ आज होने वाली है वो सब तो अनएक्सपेक्टेड है, और जानने के लिए सारी बातों को बने रहें हमारे साथ। काफ़ी कुछ है आज हमारे साथ। दोस्तों हम फाइनली अंदर आ चुके हैं बिहारी चाय के और आप देख सकते हैं आज यहाँ पे ओपनिंग है और ऐसा कुछ हमारे दानापुर में आपको देखने को मिल रहा है। इधर का थोड़ा लाइट ऑन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अच्छा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं बिहारी कैफे, चाय कैफे के अंदर आए हुए हैं और ये हमारे दानापुर में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, वो भी इस तरह के अनोखे कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ पे ओपनिंग में हम जितने भी लोग आज आए हुए हैं उन सबसे आपको मिलते हैं और उनसे उनका रिव्यू जानते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आप लोग का? सब ठीक है। तो मतलब दानापुर में कुछ ऐसा हो रहा है तो कैसा लग रहा है आप लोगों का, बताना चाहिएगा पब्लिक को? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें रेस्टोरेंट वगैरह में जाने के लिए हम लोग को पटना जाना पड़ता था, पर अब ये सारी चीज़ें आपको हमारे दानापुर में ही मिल रहा है। मतलब पटना के साथ साथ हमारा दानापुर भी डेवलप हो रहा है। तो आप मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं अभी? क्या नाम है आपका? अमन कुमार। तो यहाँ पे आपने क्या क्या ट्राई किया अभी तक? कोल्ड ड्रिंक, चाय वगैरह पी। तो चाय, आप मतलब कौन सा चाय वैरायटी का आपने अभी यहाँ पे ट्राई किया है? पान चाय। हाँ, मैंने भी देखा वहाँ, मतलब कि अभी तक मैंने चाय पिया लेकिन चाय ऐसा पान चाय नहीं पिया। मतलब नाम तो मैं तो फर्स्ट टाइम खुद ही सुन रहा हूँ। इतने सारे यहाँ पे आपको आठ वैरायटी में यहाँ पे आपको चाय मिल जाएगा और इधर भी कुछ है। तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ आ रही हैं, आपका नाम क्या हुआ? हाँ, तो यहाँ पे आप पिज़्ज़ा टेस्ट कर रही हैं तो आप थोड़ा सा पब्लिक को रिव्यू बताना चाहिएगा कि मतलब पिज़्ज़ा आपको कैसा लगा। प्लीज़ विजिट दिस कैफे, इट्स 2 AM पिज़्ज़ा, प्लीज़ काइंडली विजिट दिस कैफे। और दानापुर में कुछ नया बेटर फील करने को आपको मिलेगा। ये बात तो है कि दानापुर में अब हम लोग ऐसा कुछ मिलने देखने को मिल रहा है। आप यहाँ आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और काफ़ी खूबसूरती से इतनी छोटे से कॉम्पैक्ट एरिया में इसको बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ के ओनर जो है उनसे हम मिलते हैं और आपको बाकी की डिटेल्स हम बतवाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हेलो सर, क्या नाम है आपका? मैं दीपक शर्मा हूँ। तो ये जो बिहारी चाय है, ये कॉन्सेप्ट आपने अभी इनोवेट किया है या फिर ये कोई फ्रेंचाइजी जो आपने अभी लिया है? नहीं नहीं, मैंने इसे खुद इनोवेट किया है और इसमें जो है हम लोग को यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल दानापुर में क्या ना कुल्लड़ में चाय या फिर नॉर्मल ऐसे चाय मिल रहा था, वो सब थोड़ा अनहाइजीनिक हो जाता है और थोड़ा सा स्टैंडर्ड नहीं होता है। हम लोग बोले कि यहाँ कोई फ्लेवर चाय नहीं है और बहुत सारे फ्रेंचाइजी जो है वो फ्लेवर चाय प्रोवाइड कराते हैं लेकिन वो आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है। तो फिर मैंने बात किया दो तीन चाय गार्डन वाले जो कंपनी वालों से, तो वो बोले कि सर मेरे पास 100% ऑर्गेनिक फ्लेवर है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक, जैसे अगर रोज़ चाय मेरा है तो उसमें हम लोग रोज़ पेटल्स यूज़ करते हैं, पान चाय है तो उसमें पान लीव्स हम लोग यूज़ करते हैं, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं। और सही में उससे मैंने सैंपल मंगा के उसे पिया, देखा, सब कुछ किया, फिर मैंने बोला कि नहीं ये दानापुर में ये होना चाहिए इस तरह का। उसके साथ साथ स्नैक्स में पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, फ्रेंच फ्राई ये सब भी अवेलेबल है, कुकीज़ भी हमारे पास तो रेंज है और चाय भी तो है ही। उसके तो चाय में टोटल कितना वैरायटीज़ आपके पास? चाय में आठ वैरायटीज़ अभी है। ओके, चार में आठ वैरायटीज़ है। उसके अलावा हम लोग एक और कॉन्सेप्ट है कि बिहार में क्या है ना कि लोग अल्कोहल को, ऐसे भी सरकार भी बोलती है अल्कोहल नहीं लेना है, तो हम लोग भी कहते हैं कि अल्कोहल नहीं लेना है और नॉन अल्कोहल जैसे उसी टेस्ट में, जैसे बियर हम लोग नॉन अल्कोहल जैसे कैनबेरी हो गया, पीच हो गया, ये सब फ्लेवर्स पे आपका ये एक तरह से चाय कैफेटेरिया भी हो गया। हाँ। एक तरह से आपका नॉन अल्कोहलिक बार भी हो गया और यहाँ का जिस तरह से खूबसूरती कॉन्सेप्ट आपने बनाया है, में कोई भी जैसे फ्रेंड ग्रुप है, लड़के हो या लड़की, हैंग आउट के लिए कोई बढ़िया जगह नहीं। हाँ,
हम लोग इसे हैंग आउट के लिए अच्छा जगह प्रोवाइड कराने के लिए जगह। सर ये बताइए कि जो बिहारी चाय आपने अभी इसको बनाया है, तो अगर कोई और अगर इसको लेना चाहिए आप? हाँ, ये फ्रेंचाइजी मॉडल हम लोगों ने अभी इसका ट्रेडमार्क ले रखा है बिहारी चाय का, और इसको हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल पे अभी इसको स्टार्ट करेंगे। अभी ये मेरा फर्स्ट ब्रांच है और अपने होम टाउन घर से स्टार्ट किया है कि पहले यहाँ का रिस्पॉन्स देख लें, उसके बाद फिर हम लोग इसको और बड़े स्केल पे ले जाएंगे और हम लोग छोटे छोटे स्टॉल भी लगाएंगे, जैसे चाय का लोग टेस्ट मिल सके तो ठेला कॉन्सेप्ट भी लाएंगे, प्लस हम लोग एक इसको और भी जगह को डालेंगे। और एसी है या फिर अभी फिलहाल में पंखा? अभी अभी क्योंकि न्यू ओपन है एसी अभी लग जाएगा, अभी एसी भी इसी में लगा। और यहाँ पे मिनिमम जो रेट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा 10 रुपए का चाय है और पिज़्ज़ा हमारा 80 रुपए से, मैक्सिमम 120 रुपए का पिज़्ज़ा है। 80 से 120 रुपए तक पिज़्ज़ा मिल जाता है, चाय 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का चाय, लेकर 20 रुपए तक चाय मिल जाएगा आपको। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी डिटेल्स हमारे साथ शेयर किया, और साथ ही साथ हमारे दानापुर में हम लोग के लिए आपने कुछ ऐसा इनोवेटिव जो आइडिया आपने क्रिएशन जो आपने लाया है उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। और दोस्तों आप अगर दानापुर में हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए क्योंकि ये बेस्ट जगह है चिल आउट करने के लिए। अगर आप हैंग आउट करने के लिए कोई जगह खोज रहे हैं और आप पटना जाना पड़ता है और आप पटना नहीं जाना चाहते तो आप आसानी से यहाँ आ सकते हैं, एड्रेस मैं आपको बता दूंगा, और यहाँ पे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, मस्ट यहाँ पे विजिट करिए और यहाँ का जो एंजॉय है वो करिए। और अब हम लोग भी जा रहे हैं यहाँ की चाय को टेस्ट करने के लिए और बताते हैं आपको कि यहाँ की जो ऑथेंटिक और जो ऑर्गेनिक चाय है उसका टेस्ट कैसा है। तो तब तक आप माहौल देखिए और हम चाय का मज़ा लेते हैं। तो दोस्तों माहौल बनते हैं कुछ ऐसे। But when I'm facing down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. पान चाय है और इसका फर्स्ट सिप हमने लिया है और ऐसा लगेगा मानो आप पान खा रहे हैं, बट एक्चुअली ये तो चाय है तो पान पी रहे हैं। भैया ने जो कहा था वो एकदम सही कहा था कि यहाँ पे एकदम ऑर्गेनिक तरीके से बनाते हैं, क्योंकि एकदम ऑर्गेनिक एकदम नेचुरल फ्लेवर आपको मिलेगा जब आप इसका हर एक फ्लेवर के अलग अलग चाय को जब आप टेस्ट करोगे, क्योंकि ये पान चाय है तो बिल्कुल एकदम पान का उमदा स्वाद इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली लोग है ना पान खाते थे, आज पान पी रहे हैं हम लोग। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हम लोग, और वैसे भी हम लोग बिहारी में पहुँचे हैं बिहारी चाय कैफे, तो दिन भर काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। चाय का जब पहला सिप, एकदम कड़क चाय बनता है यहाँ पे भाई साहब, जब आप पियोगे आपकी सारी थकान मिट जाने वाली है और फ्लेवर तो इतने सारे हैं कि आप बस मज़े लीजिए, और तब तक हम चाय के मज़े लेते हैं। बताओ मन कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा, पान खाने के जगह पान पिए हैं आज, तो ऐसा पान पीते रहिए आप लोग भी आके यहाँ पे, बहुत मजा आएगा पान पीने में। बिहारी बाबू से पूछते हैं क्या सर कैसा लगा आपको? एकदम ऑथेंटिक ऑर्गेनिक और नेचुरल चाय पीना हो और वो भी कड़क, थकान हो, चिल आउट करना है, दानापुर से बाहर भी जाने का मूड नहीं है, या फिर बोलो तो पेट्रोल का पैसा नहीं है, यहाँ आ जाओ। बिहारी बाबू आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप प्लीज़ यहाँ बिहारी कैफ़े में आइए और चाय का मज़ा लीजिए। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो हमसे मिलने के लिए काफ़ी दूर से आए हैं और उनसे जानते हैं कि एक्चुअली में कि चाय का टेस्ट कैसा है। तो भाई क्या नाम है आपका? अथक जी। तो ये हमारे भाई साहब हैं, तो ये बताइए कि चाय कैसा लगा आपको और पहला सिप में आपको कौन सा फ्लेवर लग रहा है कि कौन सा फ्लेवर? ये रोज़ फ्लेवर है। अच्छा, तो देख लीजिए कि मतलब इतना ऑथेंटिक नेचुरल इसका टेस्ट है, ये एक सिप लेता है और इसको पता चल जाता है कि अदरक चाय है, रोज चाय है या पान चाय है। तो ये चाय का टेस्ट कैसा लगा आपको ये बताइए? मतलब इससे पहले कभी ट्राई किया हो ऐसा कुछ?
दानापुर में कैसे पाएंगे? दानापुर में तो भाई नहीं मिलेगी, ये सही बात है। तो दानापुर में है या पटना से बाहर अगर दानापुर में आप आए हो तो यहाँ ज़रूर आइए और चाय का मज़ा ज़रूर से लीजिए। हाँ वो सब बात के बाद अलग, लेकिन पेट्रोल वाला बात दम दिल पे लगा, पेट्रोल बहुत महंगा है। और ये हमारा दोस्त है, कुछ कहना चाहोगे? नहीं भैया, आप यहाँ बहुत खुश हैं, बिहारी बाबू आज मेरे दर्शन हुए। भाई आज के ब्लॉग में यही था खास, अब किसी और दिन यहाँ पे हम लोग आराम से आएंगे, आज तो फर्स्ट डे था और यहाँ पे आके चाय पी के थकान हमारी मिट चुकी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ब्लॉग एंड दिस इज मी सूरज आर्या साइनिंग ऑफ।